नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दिन दहाड़े युवक की गांव के ही लोगों ने की हत्या। कार्रवाई न होने के कारण परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम। मामला हरदोई के हरियावा थाना क्षेत्र के उचवल का है, जहां पर गांव के निवासी कमलेश पुत्र रामचंद्र उम्र 45 वर्ष अपने घर से सुबह 8 बजे मजदूरी करने के लिए निकला था। तभी उसी गांव के रक्षपाल पुत्र भरोसे पुत्र बल्ला धर्मपाल पुत्र रक्षपाल अखिलेश भरोसे ने उसे पकड़कर मारने पीटने लगे। उसके सर पर लाठी डंडों से प्रहार किया, जिससे वह मौके पर ही कोमा में चला गया, जिसकी कल शाम इलाज के दौरान ट्रामा सेंटर लखनऊ में मौत हो गई, जिसको लेकर आज सुबह परिजनों ने मंसूर नगर बेहटा गोकुल मार्ग पर जाम लगा दी। मृतका के भाई ने बताया कि हरियाणा पुलिस ने आरोपियों पर कठोर कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते यह जाम लगाया गया। जब तक उन आरोपियों को पकड़ा नहीं जाता, तब तक जाम नहीं खुलेगा। उनके भाई यहाँ पे मौजूद हैं, मृतक के बताएंगे कहीं क्या घटना हुई। क्या नाम है आपका? मृतक का कहना क्या है? मृतक कमलेश नाम। ऐसे मौत ऐसे हुई है, सुबह के टाइम में 8 बजे के टाइम में जा रहे थे खेत पर, तो रास्ते में उन्होंने घेर के मारा। किसने मारा? भरोसे रक्षपाल अखिलेश धर्मपाल। कहाँ के निवासी थे? ये उचवल के निवासी। अच्छा, जो आप लोग रोड जाम किए, किस लिए जाम किए? आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एक आज 2 दिन हो गए इस कांड को, गाली गलौज भी हो जाता है गांव में, तो एरिया को पता लग जाता है आज गांव में आज गाली गलौज हुआ है। ये मर्डर हो गया हमारे भाई का, और यहाँ 2 दिन हो गए कोई पुलिस देखने नहीं आई है क्या हुआ है यहाँ पर, कोई कार्रवाई नहीं। आपने तहरीर दी था ना? जी, हमने कंप्लेंट दी थी। कंप्लेंट हमारा भाई मरा हुआ था, और पुलिस वाले ने कंप्लेंट कोई और ली और गिरफ्तार किया 2 आदमी को, उनको छोड़ भी दिया। छोड़ दिया जी, कोई कठोर कार्रवाई नहीं। कोई कठोर कार्रवाई नहीं, जैसा आप देख रहे हैं कठोर कार्रवाई नहीं की, इसलिए इन्होंने यहाँ पे जाम लगाया है। यहाँ पे कुछ लोगों ने जाम लगाया था, क्या कारण था, क्या पूरा मामला है? ऐसा है, दिनांक 30/7/21 को दो पक्षों में ये आपस में मारपीट हो गई थी, जिसमें एक कमलेश, मृतक कमलेश पुत्र रामचंद्र, इनको चोट ज़्यादा लगी थी, जिनको हरदोई से रेफर कर दिया गया लखनऊ, और कल इनकी डेथ हो गई। और उस डेडबॉडी को लेकर के ये लोग यहाँ पे आकर के रोड पे धरना दिए थे। इसकी सूचना पहुँच मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पहुँचा, आकर के इनको समझाया बुझाया गया, जिस पे लोग मान गए हैं। मैंने आश्वासन भी दिया है कि जो भी इसमें आरोपी है उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी शासन प्रशासन से मदद हो सकती है, पूरी हम आपके साथ हैं। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें डीडी टुडे।